ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त शुक्रवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आप लोग बहुत ही अधिक संतुलित प्रवृत्ति के होते हैं, आप अपने सामाजिक संबंधों को आज और अधिक मजबूत करेंगे। धार्मिक कार्यों में आज आपका अधिक समय व्यतीत होगा। घर में किसी के विवाह से संबंधित कोई योजना बन सकती है। आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी तथा टेंशन भी दूर होगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपकी परेशानियों में सहायक सिद्ध होगा। आपके व्यक्तित्व तथा आत्मविश्वास के समक्ष आपके विरोधी परस्त होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप समाज में सम्मानित महसूस करेंगे और इसकी वजह से आप अपने कार्यों को भी बेहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे। दोस्तों आज संतान को भी कोई महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर का भी प्लान बन सकता है। खर्चों की भी अधिकता का भी आज आपको दुख नहीं होगा। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस पर भी आज विचार विमर्श हो सकता है जिससे कि फैसला आपके पक्ष में आ सके। साथ ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का भी सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा। पिछले कुछ समय की थकान भरी दिनचर्या से आज आपको राहत मिलेगी। साथ ही समय नजदीकी मित्रों के साथ मनोरंजन संबंधी आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। बच्चे की किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है जिससे घर परिवार में काफी खुशी भरा माहौल रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों आज किसी भी प्रकार की यात्रा से नुकसान होने की संभावना लग रही है, इसलिए यात्रा को आज स्थगित रखें। आर्थिक समस्याओं को लेकर घर में कुछ तनाव भी आज रह सकता है। आज दोस्तों और बेकार के कामों में अपना समय व्यर्थ ही व्यतीत ना करें क्योंकि इनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही रह जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आय के साधन भी आज आपके लिए सामान्य ही रहेंगे, इसलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर रखना आवश्यक है। पैसे के मामलों में हाथ तंग रह सकता है, परंतु इस समय अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर रखना ही उचित है। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ भी किसी बात को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद आज हो सकता है। पुलिस थाने जाने की भी नौबत आ सकती है, इसलिए अपने आक्रोश पर कंट्रोल रखना जरूरी है। कोई भी निर्णय दिल की अपेक्षा दिमाग से लें, भावुकता में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, उनके द्वारा किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप अवश्य लें। जमीन जायदाद से संबंधित कागजी कार्यवाही को बहुत ही अधिक ध्यान से करें, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों घर के किसी भी मामलों को हल करने के लिए जीवन साथी का आज आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
प्रेम संबंधों में गलत फहमी की वजह से कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आज आकर्षण बनने से पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संयमित रखें। पति पत्नी के मधुर संबंध रहेंगे। किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। पति पत्नी में भावनात्मक संबंध मधुर रहेंगे, परंतु घर में ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। दोस्तों, अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से घर के लिए भी समय अवश्य निकालें। घर के लोग आपकी भावनाओं की काफी कदर करेंगे। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों, इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों में अभी कोई सुधार होने की संभावना नहीं है, परंतु भविष्य संबंधित योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना आवश्यक है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आज मन कुछ विचलित होने की वजह से ध्यान नहीं लग पाएगा तथा निर्णय लेने में भी कुछ असहज महसूस करेंगे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ठ जनों की सलाह आप अवश्य लें। व्यवसायिक परिस्थितियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी, परंतु मार्केटिंग संबंधित कार्यों से आज कुछ फायदेमंद ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए पार्टियों के साथ आज संपर्क में रहें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की आज अधिकता रहेगी। आज कार्य क्षेत्र में गतिविधियां बेहतर रहेंगी। आपकी अच्छी छवि की वजह से मार्केट में आपको अच्छा ऑर्डर मिलने की आज संभावना है। इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर ही केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ कोई भी निर्णय दिल की अपेक्षा आप दिमाग से लें। भावुकता में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। उनके द्वारा किसी प्रकार का आज नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार के प्लान को आप दूसरों से शेयर ना करें, नहीं तो आपको काम का ज्यादा फायदा नहीं होगा और लोग उसका फायदा उठा लेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अधिक संभाल कर रखें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सावधान रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अपने आप में आत्मबल की कमी आज आप महसूस करेंगे। इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमताओं में भी कमी आएगी। इसलिए आज आप अपने आप को बहुत ही अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या को बहुत ही संयमित रखें। इसके लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों, आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लोटे में थोड़ा कच्चा दूध लें। जी हां दोस्तों, इसमें आप कुछ बतासे डालें। इसके बाद आप इस कच्चे दूध को तुलसी पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीं श्रेयाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होंगी और आपके घर में दिन दुगना रात चौगना पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।